नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े हथियार के बल पर प्लास्टिक कारोबारी से लूटे रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव नामांकन के चौथे दिन 9 प्रत्याशियों ने कटाया एनआर, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल किया पर्चा। बांका में महिला की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शन, थाना का किया घेराव, पुलिस ने चटकाई लाठियां। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने निकाला जागरूकता रथ, मतदान के प्रति लोगों को करेंगे जागरूक। और पूर्णिया राजद नेता हत्याकांड में एसपी का खुलासा, कभी भी हो सकती है तेज प्रताप और तेजस्वी से पूछताछ। समाचार विस्तार से। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत में बदर आलमपुर चौक के समीप अपराधियों ने प्लास्टिक कारोबारी मोहम्मद अहसन से 1,00,000 रुपए लूट लिया। घटना को लेकर शाहजंगी निवासी प्लास्टिक कारोबारी ने बताया कि वो बैंक में पैसा जमा करने पैदल जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने बदरे आलमपुर चौक के समीप उनसे 1,00,000 रुपए लूट लिया, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने ब्लेड से मोहम्मद अहसन के चेहरे पर वार कर उसे घायल कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर एक अपराधी को धर दबोचा, जबकि अन्य 2 अपराधी पैसा लेकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश की पहचान शाहजंगी निवासी मोहम्मद बाबर के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की लाख शक्ति के बावजूद अपराधियों ने खुलेआम बदर ए आलमपुर चौक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद हबीबपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मोहम्मद बाबर को गिरफ्तार कर उसके सहयोगियों का पता लगा रही है। तो हम जा रहे थे सर पैसा लगाने के लिए, वो पीछे बात करते हुए मोबाइल वो छिनताई करके भागने लगे, कल तो हम पकड़े उसको और ग्रामीण उनको ब्लेड मारा था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया। सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुल्तानगंज के जदयू प्रत्याशी ललित नारायण मंडल, रालोसपा के प्रत्याशी हिमांशु प्रसाद और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योतिष कुमार ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए नजारत रसीद कटाई। बता दें कि 1 अक्टूबर से शुरू नामांकन प्रक्रिया में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अब तक कुल 9 प्रत्याशी एनआर कटा चुके हैं। वहीं सोमवार को एनआर काउंटर समेत सभी जगह पर अधिकारी एवं कर्मचारी ससमय उपस्थित दिखे। हालांकि प्रत्याशियों की ओर से नॉमिनेशन में रुचि नहीं दिखाए जाने के कारण निर्वाची कार्यालय में कर्मी भी राहत की सांस लेते नजर आए। इधर नॉमिनेशन को लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने शीर्ष नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की बात करें तो नामांकन काउंटर के इर्द गिर्द और समाहरणालय के बाहर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं एवं समाहरणालय परिसर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि निर्वाचन आयोग और COVID-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा सके। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर सह DCLR गिरिजेश कुमार ने कहा कि सोमवार को सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजन कुमार ने नॉमिनेशन कराया। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी उम्मीदवार को नामांकन प्रक्रिया समझने में परेशानी हो रही है तो वह निर्वाचन कार्यालय में बने हेल्प डेस्क का सहारा ले सकते हैं। बांका नवादा बाजार सहायक थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में सुनेना देवी नामक विधवा की हत्या के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को नवादा बाजार थाना का घेराव कर पुलिस के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए रजौन थाना, धनकुंड थाना सहित अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलन कर रहे आक्रोशित लोगों को समझाया, पर ग्रामीणों द्वारा नहीं मानने पर मजबूरन पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। घटना में 2 पुलिसकर्मी एवं कई ग्रामीण जख्मी हुए हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि थानाध्यक्ष नसीम खान ने ब्रजेश कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया और गोपालपुर गांव के ही सिकंदर मंडल नामक एक निर्दोष लड़के को गिरफ्तार कर थाना ले आई है। ग्रामीणों का कहना है कि वह लड़का बिल्कुल निर्दोष है, वहीं जो इस घटना में दोषी है पुलिस उसका साथ दे रही है। बता दें कि 3 दिन पूर्व विधवा की संदिग्ध स्थिति में खेत से शव बरामद हुई थी, जिसकी जांच में पुलिस द्वारा मनमर्जी करने का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के DRDA परिसर से सोमवार को जागरूकता रथ निकाला गया। वहीं रथ को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
वहीं जागरूकता अभियान को लेकर जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसके तहत दो रथों को कहलगांव एवं नौगछिया की ओर रवाना किया गया है। इधर आलोक कुमार ने 2020 चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज जो है सो दो मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है, एक कहलगांव जाएगा एक नवगछिया जाएगा। उद्देश्य है कि मतदाताओं को जो है सो जागरूक करना, ताकि उनका मतदाता सहभागिता विधानसभा निर्वाचन के दौरान। वहीं बांका बेलहर प्रखंड परिसर में बाल विकास परियोजना के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली, मेहंदी, हस्ताक्षर अभियान एवं जागरूकता रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता एवं डीडीसी रवि प्रकाश ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। मौके पर सेविकाओं ने अपने अपने हथेली पर मतदाता जागरूकता के लिए मेहंदी लगाई, साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया। पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या के पीछे का साजिश बेनकाब होता दिख रहा है। हत्या को लेकर मृतक के परिजनों ने राजनीतिक षड्यंत्र होने की आशंका व्यक्त की है। बता दें कि एक सप्ताह पहले शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव पर टिकट देने के बदले 50 लाख मांगने एवं जाति सूचक शब्द कहकर अपमान करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके ठीक एक सप्ताह बाद शक्ति की हत्या पूर्णिया स्थित उसके आवास पर हो गई। मृतक की पत्नी के द्वारा तेजस्वी यादव और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक साजिश के तहत हत्या करवाने की बात कही गई है। वहीं शक्ति मलिक हत्या मामले में पूर्णिया के डीएसपी आनंद पांडे ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर हाट थाने में मामला दर्ज किया गया है। मलिक हत्याकांड मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा ने शक्ति मलिक हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधु, कालो पासवान, मनोज पासवान सहित 6 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शक्ति का पहले कई वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम लगातार काम कर रही है और अपराधी के भागने के दौरान सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए फुटेज की जांच भी की जा रही है। एसपी ने बताया कि जरूरत पड़ी तो तेजस्वी और तेज प्रताप से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम क्या था और उनका बैंक अकाउंट वगैरह जो है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर एनालिसिस किया जा रहा है और उनके मोबाइल का ही इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जितना हम लोगों ने देखा और परिजनों से पूछने पर जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एक उनके मोबाइल की जांच करने पे हम लोग को प्राप्त हुआ है कि उनको 11/9/2020 को आरजेडी से निष्कासित किया गया था और उसके अलावा ये कंटिन्यूसली उस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। 16/9/20 को उन्होंने पुतला दहन भी किया था और फिर विभिन्न प्रकार के आरोप विभिन्न विभिन्न लोगों पर लगाया करते थे। हम लोग को भी उनके जब वो जीवित थे उसके जो पब्लिक स्पेस में जो वीडियोज़ हैं वो उपलब्ध हुए हैं और उन्हीं को आधार बनाते हुए परिजनों ने जो है, जैसा कि मैंने आप लोग को जो नाम बताया, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है। जो वीडियोस आप लोग के पास भी उपलब्ध हैं, हम लोग को भी उपलब्ध कराए हैं, उन्हीं वीडियोस को और उसी अंदेशा को जताते हुए परिजनों ने जो है प्राथमिकी दर्ज की है। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के रिफातपुर गांव में ठनका गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान रिफातपुर निवासी 65 वर्षीय श्याम दयाल रविदास के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के भतीजा मृत्युंजय कुमार ने बताया कि रोज की तरह चाचा खेत में गाय चराने गए थे, जिस दौरान ठनका गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता
की कोई भी बात 1950 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसन सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। भागलपुर माउंट कार्मेल स्कूल परिसर में सोमवार को अभिभावकों ने फीस को लेकर हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी छोटे बड़े व्यवसायी का कारोबार ठप हो गया है। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों से स्कूल प्रबंधन लगातार परीक्षा शुल्क एवं मंथली फी की राशि भुगतान करने का दबाव बना रहा है। साथ ही पैसा जमा नहीं करने पर स्कूल से बच्चों का नाम काटने की धमकी दी जा रही है। वहीं स्कूल प्राचार्य से मिलने और बैठक बुलाने की मांग को लेकर अभिभावक स्कूल परिसर में इंतजार करते रहे। इस दौरान अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा और समस्या निवारण समिति के बैनर तले अभिभावकों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद बरारी थानाध्यक्ष प्रमोद साह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अभिभावकों को नियम कानून का पाठ पढ़ाया। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों ने कहा कि अगर स्कूल की प्रिंसिपल ने जल्द पेरेंट मीटिंग बुलाकर उचित फैसला नहीं किया तो स्कूल के सामने उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्कूल से एक डिफॉल्टर लिस्ट भेजा गया, जिस कारण से हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है और उस कारण से ही हम लोगों का ये दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग जाकर के मांग यही है कि साल भर का जो फीस है वो साल भर का जो फीस, जो मिसलेनियस फीस जो सारे हैं, उनको छोड़ा जाए और छोड़ कर करके उसी अनुसार में हम लोगों को रियायत दिया जाए। प्लस हम लोगों को जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार में कम से कम चाहते हैं कि 12 महीने की फीस में से 9 महीने की। 3 दिन से स्कूल के बाहर में सभी गार्जियन हम लोग आकर के स्कूल प्रशासन से बात करना चाह रहे हैं फी के संबंध में, क्योंकि इन मिलना भी पसंद नहीं कर रही है। आज तक गार्जियन को इन मिलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या बात है नहीं बात है। हम लोग जो है अब मना गार्जियन का भी जो है सब्र टूट चुका है। आज हम लोग रोड जाम किए थे, बरारी प्रशासन के आने के बाद हम लोग उनके बात पर अभी तक का जो हम लोग रास्ता को तो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर स्कूल प्रशासन अगर हम लोगों से बात नहीं करेगी तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और अभी तो हम लोग एक स्कूल लेकर चल रहे हैं अपना गार्जियन, लेकिन हो सकता है कि पूरे भागलपुर पैमाने पर हम लोग इसको शुरू कर दें। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह शहबाजिया में 3 दिवसीय उर्स ए पाक के दूसरे दिन अकीदतमंदों को प्रवेश कराया गया। प्रवेश के बाद जायरीनों ने मजार शरीफ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फातिहा पढ़ा और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी।
इस दौरान कोविड 19 की गाइडलाइंस को देखते हुए खानकाह से जुड़े सदस्यों ने सीमित संख्या में ही लोगों को दरगाह परिसर में जाने की अनुमति दी। वहीं हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के 393वां उर्स के मौके पर खानकाह परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है और जगह जगह रंग बिरंगे झालरों से रोशनी की व्यवस्था की गई है। सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने बताया कि सोमवार को शाहजहानी मस्जिद में कुरान खानी का आयोजन किया गया। साथ ही आस्थाना परिसर स्थित मजार शरीफ पर चादर पोशी कर विश्व में शांति की दुआ मांगी गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में नामांकन कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में गाड़ियों के आवागमन से जाम न लगे, इसको लेकर एसडीओ एवं डीएम कार्यालय जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पैदल आने जाने वाले लोगों से भी पुलिस के जवान सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं नाकेबंदी के बाद एसडीओ ऑफिस के समीप खुलने वाले करीब 50 से ज्यादा दुकानों और प्रतिष्ठानों का कारोबार ठप हो गया है। दुकानदारों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने नामांकन प्रक्रिया तक सुबह 11 से 3 बजे तक दुकान बंद रखने का निर्देश दिया है, जिसके कारण उन लोगों का बिजनेस चौपट हो गया है। अब जिले के सभी लोगों को चिकित्सीय सेवा में छूट मिलेगी, इसको लेकर आरोग्य ग्रामीण हेल्थ केयर फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को संस्था के निर्देशक विकास कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, मुखिया संजीत सिंह और सबौर ब्लॉक के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। भागलपुर सबर ब्लॉक चौक के समीप बने कार्यालय में 99 रुपए शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति आरोग्य ग्रामीण स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकता है। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य कार्ड 1 साल के लिए वैध होगा, जिसके तहत रोगी को अस्पताल या निजी नर्सिंग होम में उपचार कराने एवं मेडिसिन लेने पर 10 से 40% तक की छूट दी जाएगी। विजय कुमार और प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोग्य ग्रामीण हेल्थ केयर फाउंडेशन भारत सरकार के तहत पंजीकृत संस्था है। यह सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं को कम लागत में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर नवीन कुमार ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के नजदीकी अस्पताल एवं दवा दुकानों से सीधा संपर्क स्थापित कर हम अपने आरोग्य ग्रामीण हेल्थ कार्ड धारकों को विशेष छूट एवं लाभ प्रदान करवाते हैं। आज जो है ये आरोग्य ग्रामीण हेल्थ केयर फाउंडेशन की तरफ से जितने भी भागलपुर के अंदर प्रखंड हैं और प्रखंड के अंदर गाँव हैं, सभी ग्रामीणों और शहरवासियों का जो है हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इस हेल्थ कार्ड के तहत जो है वो कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और पैथोलैब में जाएंगे या कोई भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई कराने जाएंगे तो इस कार्ड को दिखाने पे उन्हें 10 से 40% तक की छूट मिलेगी। भागलपुर सुल्तानगंज के अब्जूगंज पंचायत स्थित एनएन इंटरनेशनल स्कूल से एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का शव पुलिस ने संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया है। मृतक की पहचान मुंगेर के बड़ी दियारपुर निवासी 50 वर्षीय प्रमोद प्रसाद राय के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के पुत्र सोनू राय ने बताया कि स्कूल के निर्देशक अभिषेक दुबे द्वारा टेलीफोन कर पिता के तबीयत खराब होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचे जहां उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं मामले को लेकर स्कूल के निर्देशक अभिषेक दुबे ने बताया कि स्कूल के गार्ड द्वारा प्रमोद राय की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर उन्होंने उनके पुत्र को इसकी जानकारी दी थी, पर 2 दिन से बीमार रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है और आगे की तहकीकात में जुट गई है। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष एवं भागलपुर के व्यवसायी सुनील शाह के निधन पर मंदरोजा खाटू श्याम मंदिर के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जिले के व्यवसायी सहित सामाजिक एवं धार्मिक संगठन के लोगों ने सुनील शाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा के शांति की कामना की। साथ ही सामाजिक एवं व्यवसायिक स्तर पर किए गए कार्यों के लिए सुनील शाह को याद करते हुए लोगों ने उनकी अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया। कार्यक्रम का नेतृत्व व्यवसायी रामगोपाल पोद्दार एवं लालू शर्मा ने किया। इस दौरान नगर विधायक अजीत, चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, खाटू श्याम मंदिर के प्रबंध न्यायशी प्रभात केजरीवाल, शैलेंद्र शर्राफ, शंकर लाल जैन, मोंटी जोशी, संतोष अग्रवाल, रमन कर्ण समेत जिले के कई व्यवसायी, सामाजिक धार्मिक संगठन के कई लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। बांका बेलहर प्रखंड परिसर स्थित मनरेगा सभा भवन में जिलाधिकारी सुहर्ष भगत एवं एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेलहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी, डीडीसी, एसडीपीओ, वीडीओ एवं सभी थानाध्यक्ष समेत सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को विधानसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्र के लोगों में चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने, कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को मतदान के क्रम में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के दिशा निर्देश दिए।
वहीं इस क्रम में जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने बताया कि चुनाव से संबंधित प्रखंड एवं थाना स्तर पर भी कई बैठक की जाएंगी, जिससे कोविड-19 के दौर में सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा सके। मौके पर विधानसभा के आरओ सह विकास आयुक्त रवि प्रकाश, एसडीपीओ प्रेम शंकर सिंह, बेलहर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ नरेंद्र प्रसाद, बेलहर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। एआरओ और आरओ ने डीडीसी साहब के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई थी और जो आवश्यक दिशा निर्देश है कोविड को लेकर के और चुनाव को लेकर के वो दिया गया है सारे सेक्टर पदाधिकारी को, जो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी करेंगे और फिर से हम लोग और भी विस्तार में इसकी समीक्षा करेंगे। ये पहली राउंड की बैठक है, इसके बाद हम लोग ब्लॉक स्तर पर और थाना स्तर पर भी बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त कराने को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च सुल्तानगंज थाना परिसर से निकलकर अब्जुगंज, महेशी, मिरहट्टी, शाहबाद, कटहारा, दौलतपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापिस थाना परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से तैयारी जोरों पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भयमुक्त माहौल में मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े हथियार के बल पर प्लास्टिक कारोबारी से लूटे रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव नामांकन के चौथे दिन 9 प्रत्याशियों ने कटाया एनआर, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल किया पर्चा। बांका में महिला की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शन, थाना का किया घेराव, पुलिस ने चटकाई लाठियां। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने निकाला जागरूकता रथ, मतदान के प्रति लोगों को करेंगे जागरूक। और पूर्णिया राजद नेता हत्याकांड में एसपी का खुलासा, कभी भी हो सकती है तेज प्रताप और तेजस्वी से पूछताछ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।